प्रस्तुति गांधी 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 सर जरा सोचिए, आप सच धज के एक पार्टी में जाने के लिए घर से निकलते हैं और निकलते ही जोरदार बारिश हो जाती है। आप बारिश से बचने के लिए सड़क के किनारे किसी दुकान के छज्जे के नीचे पनाह ले लेते हैं। तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी आपके कपड़ों पे कीचड़ उछाल के चली जाती है तो सर आपके मुंह से बस एक ही बात निकलेगी, मुफलिसी में आटा गीला। ऐसा ही हुआ अंग्रेजी सरकार के साथ भी। एक तो दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और ब्रिटिश राज हिंदुस्तान में गृह युद्ध से जूझ रहा था। करेंगे या मरेंगे, करेंगे या मरेंगे, करेंगे या मरेंगे, करेंगे या मरेंगे, करेंगे या मरेंगे। जहां भी सरकार का कोई अंग्रेज नुमाइंदा दिखाई देता, लोग उसे काले झंडे दिखाते। शिक्षकों ने पढ़ाना छोड़ दिया, बाबुओं ने बाबूगिरी छोड़ दी, सरकार बिल्कुल अपाहिज होती चली गई। भारत छोड़ो आंदोलन को मिल रहे आम जनता के समर्थन ने अंग्रेजों को छटपटाने पर मजबूर कर दिया। तंग आकर सरकार ने बापू के साथ साथ देश के हर छोटे बड़े नेता को गिरफ्तार कर दिया और उन पर झूठे मुकदमे चला दिए। यहां तक कि बा यानी कस्तूरबा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया। Order, order, please start the proceedings. My lord, मुलजिम मोहनदास करमचंद गांधी पे देशद्रोह और राष्ट्र से गद्दारी का आरोप है और साथ ही लोगों को हिंसा के लिए भड़काने और उन्हें ब्रिटिश लोगों पर हमला करने को उकसाया है। ये देखिए भैया, जिसमें लिखा है करो या मारो। आप मेरी बातों को तोड़ मरोड़ के गलत ढंग से पेश कर सकते हैं, पर ऐसा करके ये सरकार इतिहास में अपना ही मजाक उड़ाएगी। मुलजिम पर मुकदमा मजबूत है, इसलिए अदालत 2 महीने के लिए मुलतवी की जाती है और पुलिस को हिदायत देती है कि ऐसे देश के खिलाफ साजिश रचने वाली कैदियों का संपर्क दुनिया से पूरी तरह खत्म। झूठे मुकदमे अंग्रेजी सरकार की मजबूरी को साफ दर्शा रहे थे। युद्ध के दौर से गुजर रही ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 1 लाख से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, भीड़ पे गोलियां चलाई गईं, लोगों के घर में घुस घुस कर पीटा गया। जालिमों ने क्या बूढ़े, क्या बच्चे और क्या औरतें, सब पे जुल्म की इंतहा कर दी। मेरे मित्र वाइसरॉय सर जॉन गिलबर्ट, सरकार ने जो हम भारतीयों पर जुल्म ढाया है वो मानवता के व्यवहार से कोसों दूर है। मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूं कि मैं इसके विरोध में 10 फरवरी 1943 से 21 दिन के लिए अन्न त्याग रहा हूं। मुझे प्रसन्नता होगी अगर इस बीच मेरी जान भी चली जाए। कम से कम मेरे शरीर की तरह मेरी आत्मा तो गुलाम नहीं रहेगी, जो जनता की दमन करके उनका शोषण करना चाहती। ऐसे राज्य में जीवित रहने से अच्छा ही है कि मैं अपने प्राण त्याग दूं। जेल में बंद महात्मा गांधी को सारी दुनिया से दूर रखा गया था। 73 साल के मेरे बापू सिर्फ अपने देश के लिए, इस देश की आजादी के लिए, इस देश की आने वाली नस्लों के लिए 21 दिन के अनशन पे चले गए। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजी सरकार की जड़ें खोखली कर दी और फिर वो ज्यादा दिन हिंदुस्तान में टिक भी नहीं पाए। एक संघर्ष जो पूरे देश ने किया, उस वक्त देश में लगभग
हर इंसान में कहीं ना कहीं एक गांधी जरूर बसता था। आजादी की सुबह किसी जंग के सूरज की बदौलत नहीं उदय हो रही थी, यह आजादी आ रही थी अहिंसा की रोशनी के साथ, सत्य के उजाले के साथ। बस अब इंतजार सिर्फ इतना था कि कब होगी वो तारीख जब देश अपनी आजाद हवा में अंगड़ाई लेगा। शायद नामुमकिन ही होता यह सब अगर बापू न होते। इस देश की आजादी की जंग की दास्तान और मेरे बापू की कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे, और ये कहानी इसलिए कि अगर पोरबंदर गुजरात में वो महात्मा नहीं होता तो न मैं होता और न आप होता।